आज लोकसभा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि जो भारतीय पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट के दो चैम्बर हैं या सदन हैं, एक राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। तो जिसे अपर हाउस कहते हैं, जिसे आप पढ़ चुके हैं। अब हमारे सामने लोअर हाउस या पीपल काउंसिल के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा निचला सदन है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, हमको देखना है कि लोकसभा हमारी क्या है। तो आपको हम पहली बात बताना चाहेंगे कि जो भारतीय संसद है या पार्लियामेंट है, इसका निचला सदन है। क्या है ये निचला सदन है, क्लियर ना? एक बात तो आपने ये देखा। सेकंड चीज़ आप याद रखिएगा, जहाँ राज्यसभा एक अस्थाई सदन है ना, अस्थाई सदन है मतलब इसका विघटन नहीं होता वहीं आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि हमारा जो निचला सदन है या लोकसभा है या अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन है मतलब आप कह सकते हैं सर जी कि इसका विघटन होता है, ठीक है। अब विघटन कैसे होगा, ठीक है, अस्थाई सदन है अर्थात इसका विघटन होता है, विघटन होता है। अब यहाँ ये प्रश्न आता है कि विघटन कैसे होगा। आप कहोगे कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं, विघटन कैसे होगा। तो इसको जानने के लिए आपको याद रखना है कि सर आर्टिकल 85(2) है हमारे पास, हमारी संसद संविधान के अंदर ये व्यवस्था है, अनुच्छेद 85(2), इसमें कहता है कि लोकसभा का विघटन कब होगा और कौन करेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। तो जो पीएम होते हैं अर्थात प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय, ठीक है, लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा, बिना सिफारिश के वो ऐसा नहीं कर सकते, मतलब सिफारिश होना, प्रधानमंत्री की सिफारिश होना ये अनिवार्य चीज़ है। सेकंड चीज़, जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका ये आप कह सकते हैं कि कार्यपालिका हमारी क्या है, मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद जिसे आप सरकार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद है, इसका अस्तित्व किस पर डिपेंड है, ये मंत्रिपरिषद ये कब तक अपने अस्तित्व में रह सकती है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर इसका अस्तित्व तभी तक है जब तक इसका लोकसभा में विश्वास बना रहता है, मतलब मंत्रिपरिषद तभी तक अस्तित्व में रहेगी जब तक इसको लोकसभा का विश्वास मिलता रहे। यदि लोकसभा में यह विश्वास को खो जाएगी, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद को जाना ही होगा, मतलब मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आप कह सकते हैं कि जिस दिन भी लोकसभा में उसका विश्वास समाप्त होता है उसी दिन मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, बात करते हैं आगे की चीज़ें, ठीक है। तो आगे की चीज़ें हमें करने के समय ये देखना होगा कि लोकसभा का गठन कैसे होता है या संगठन कैसे होता है। तो अच्छा देखते हैं, जो हमारी लोकसभा है, इस लोकसभा का संगठन कैसे होता है। तो एक नंबर हम आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। देखिए ये लिखा है आर्टिकल 81, ठीक है ना, और 81 में भी एक रखते हैं, अनुच्छेद 81(1), ठीक है। ये क्या बोल रहा है, तो हम आपके सामने एक नंबर ला रहे हैं, वो नंबर है 552, मतलब हमारी जो लोकसभा होगी इसके अधिकतम मेंबर कितने होते हैं, हो सकते हैं
तो आप कहेंगे सर 552 होते हैं अर्थात 552 होते हैं, ठीक है। अब ये 552 को आप दो भागों में बांट दीजिए, 530, ठीक है, और 20। तो ये 530 जो सदस्य आएंगे ये कहाँ से आएंगे? आप कहेंगे सर हमारे प्रांतों से आते हैं, प्रांतों में जो संसदीय व्यवस्थाएं हैं या संसद का निर्वाचन क्षेत्र है वहां से आते हैं। और ये 20 सदस्य कहां से आएंगे? तो आप बोलोगे कि सर ये 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से आते हैं। जो संघ शासित प्रदेश हैं वहां की संसदीय सीट से चुन करके आते हैं। तो ये हो गया 530 प्लस 20 इक्वल टू हो गया 550। अब ये दो सदस्य और आएंगे ये कौन होंगे? तो आप कहोगे कि सर ये एंग्लो इंडियन हो सकते हैं, ठीक है। ये कौन होंगे? आंग्ल भारतीय होंगे, एंग्लो इंडियन होते हैं ये, ठीक है, आपने ये कर लिया। लेकिन बच्चों हमको एक चीज़ याद रखना है, 1976 में एक प्रोविज़न आता है, ठीक है, 1976 में एक उपबंध या प्रोविज़न है, उपबंध या प्रोविज़न है जिसके अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या, ठीक है, 543 प्लस 2 होगी, अर्थात 545 होगी। यही आज मैक्सिमम चल रही है और 2026 तक ये चलती रहेगी, ठीक है। और अब हमारे सामने अगली बात है निर्वाचन एवं कार्यकाल, ठीक है। तो आइए देखते हैं निर्वाचन और कार्यकाल क्या होता है। हमारी जो लोकसभा है उसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है और इसका क्या कार्यकाल है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इसका निर्वाचन जनता द्वारा होता है, जनता द्वारा, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है। अब आता है कि इसका कार्यकाल क्या होता है। तो बच्चों इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, सामान्यतः 5 वर्ष है, लेकिन इसके कार्यकाल को फिक्स नहीं कर सकते। 5 वर्ष जो आप कह रहे हो उसको फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अगर लोकसभा का विघटन हो गया तो ये पहले ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे फिक्स नहीं कर सकते, सामान्यतः ये 5 वर्ष होता है, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए कि आपातकाल लागू हो गया, 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू हुआ है देश के अंदर, ठीक है, इमरजेंसी है या आपातकाल है, ठीक है, तब क्या होगा? आपातकाल अगर चल रहा है आर्टिकल 352 के अंतर्गत तो क्या होगा? आप कहोगे कि सर इसे आप 1 वर्ष के लिए अधिक से अधिक बढ़ा सकते हो, ठीक है, मतलब 1 वर्ष के लिए आप इसे बढ़ा सकते हैं, मतलब 5 के स्थान पर यह 6 वर्ष हो जाएगा। लेकिन अगर लोकसभा विघटित हो गई तो इसका तो कभी भी खत्म हो सकता है। तो न्यूनतम कितना है, ठीक है, ये तो दावा नहीं कर सकते आप, लेकिन मैक्सिमम कितना है आप कह सकते हैं 6 साल है, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि सदस्यों की योग्यता क्या है, कौन लोग सांसद बन सकते हैं। तो सदस्यों की योग्यता हम लोग देखते हैं, सदस्यों की योग्यता। तो प्यारे बच्चों सदस्यों की जो योग्यता है उसमें पहली बात है कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, एक तो यह योग्यता है, ठीक है। सेकंड चीज है कि उसकी आयु 25 वर्ष हो, मतलब मस्ट अटेंड 25 ईयर्स ऑफ एज, 25 साल की आयु का हो, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, ठीक है, वह किसी भी सरकारी, चाहे वह केंद्रीय सरकार हो, केंद्र सरकार हो या प्रांतीय सरकार हो या कोई, ठीक है, सरकारी प्रतिष्ठान हो, ठीक है, या सेमी सरकारी प्रतिष्ठान हो, उसमें सरकार के किसी लाभ के पद पर उसे नहीं होना चाहिए, तभी वह चुनाव लड़ सकता है। क्लियर हो गया? अब एक बात आप और याद रखिएगा, सदस्यों की यह योग्यता कहाँ दी गई है? आप कहेंगे कि सर अनुच्छेद 84 में दी गई है, 84 में दी गई है, मतलब आर्टिकल 84 में सांसदों की योग्यताएं दी गई हैं, जिसे आपको ये बताया जा चुका है। हाँ, संसद चाहे तो अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई अलग योग्यता इसमें डाल सकती है।
ठीक है। अब एक प्रश्न आता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, ठीक है, या चुनाव लड़ने के समय एक जमानत राशि होती है, जमानत राशि, ठीक है, ये क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट से कहा जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट को हम दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है। देखो पहले तो ये केवल 500 रुपया था पहले, लेकिन आज ये 25,000 रुपये है। कितना है? 25,000 रुपये, ठीक है ना। सिक्योरिटी डिपॉजिट एक लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले सांसद के लिए कितनी चाहिए? 25,000 रुपये चाहिए। अब अगर यही बात आपसे पूछ दिया जाए कि यह किसके लिए है, तो आप कहेंगे सर जनरल कैंडिडेट के लिए, लेकिन अगर एससी एसटी आरक्षित क्षेत्र से है वो, तो उसकी जमानत राशि इसकी आधी हो जाएगी, मतलब आधी का होने का मतलब 12,500 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। मतलब अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वहाँ से अगर ये चुनाव लड़ रहे हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, तो उनको डिपॉजिट राशि 12,500 ही देनी पड़ेगी। लेकिन अगर जनरल कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है तो उसे 25,000 रुपये ये सिक्योरिटी मनी के रूप में डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। और अब पहले देखिए सिक्योरिटी मनी एससी और एसटी के लिए कितनी थी? 200 रुपये थी, यहाँ पर 500 रुपये थी, ठीक है ना। अब एक प्रश्न आता है यहाँ, ठीक है, विधानसभा में क्या होती है, प्रांतों में जो चुनाव लड़ते हैं लड़े जाते हैं उसमें क्या होता है? तो आप कहोगे कि सर विधानसभाओं में जो होती है वो 10,000 होती है जनरल के लिए, ठीक है ना, ठीक है, 10,000 रुपये है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि एससी एसटी के लिए, जिसका हाफ कर दीजिएगा, 5,000 रुपये होती है। अब एक बात होती है, कहते हैं कि जमानत जब्त हो गई, ठीक है, जमानत जब्त हो गई, तो अब प्रश्न आता है कि जमानत राशि क्यों लाई जाती है, ठीक है, जमानत राशि क्यों लाई जाती है? तो आप कहेंगे इसलिए लाई जाती है सर जमानत राशि ताकि गंभीर लोग चुनाव लड़ सकें, ठीक है। और जमानत राशि कब जब्त हो जाती है? जब आप टोटल जो वोट पड़ता है, ठीक है, जो लीगल वोट हैं, मतलब किसी चुनाव क्षेत्र में, किसी चुनाव क्षेत्र में जो आप कह सकते हैं कि वैधानिक वोट हैं, लीगल वोट हैं, जितने पड़े हैं वोट, अगर उससे 1/6 से कम पाते हैं तो जमानत राशि जब्त हो जाती है, और अगर इससे ज़्यादा पाते हैं तो चुनाव आयोग ये धन वापस कर देता है, ठीक है, क्लियर। तो आप एक बात याद रखिएगा, जमानत राशि वापस कब होती है? जब आप 1/6 से ज़्यादा वोट पाए हुए तो वापस हो जाएगी। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तब भी वापस हो जाएगी, ठीक है ना। अब एक चीज़ आपको और देखना है, ठीक है, कुछ कंडीशंस आ रही हैं, शर्तें आ रही हैं, जरा वो देखिए क्या क्या है। तो बच्चों अगर हम शर्तों की बात करें तो हम शर्तों में एक चीज़ याद रखेंगे, देखिए अगर कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, तो हम लोग कुछ कंडीशनल बातें कर रहे हैं सांसदों के चुनाव के लिए या लोकसभा के सदस्यों के लिए, कुछ देखिए शर्तें क्या है। तो प्यारे बच्चों देखो, अगर एमपी या सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा है ना, तो ये कितने क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, पहली बात तो आपको याद रखना होगा। तो आप याद रखिएगा कि एक प्रत्याशी मैक्सिमम 2 स्थानों से चुनाव लड़ सकता है, 2 स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन मान लीजिए कि यदि दोनों स्थानों को वह जीत गया, तो यदि वह दोनों स्थानों को जीतता है तब क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर उसे 10 दिन के अंदर अमूमन 7 दिन होता है, 1 हफ्ता होता है, 10 दिन के अंदर, ठीक है, तो आप कह देंगे कि सर उसे अपनी 1 सीट का चयन कर लेना होगा, ठीक है ना, अन्यथा उसकी 2 सीट चली जाएगी।
दोनों स्थानों से जीतने पर एक स्थान से उसे 10 दिन के अंदर इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी दोनों सीट चली जाएगी, मतलब वो खाली हो जाएगी। ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है, मान लीजिए कि एक राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य है और वह लोकसभा का चुनाव लड़ता है। ठीक है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहा है, राज्यसभा का वर्तमान में सदस्य है और ऐसी स्थिति में अगर वो लोकसभा का भी चुनाव जीत जाता है तो क्या होगा? तो आप कहेंगे विद इन 10 डेज। ठीक है, बिहार में 7 दिन, तो राज्यसभा का सदस्य भी हो और लोकसभा का चुनाव जीतता है तो ऐसी स्थितियों में उसे सूचित करना ही होगा, चुनाव आयोग को सूचित करना होगा कि वह कहाँ रहना चाहता है, राज्यसभा में रहना चाहता है या लोकसभा में। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो उसकी लोकसभा की सीट चली जाएगी। अब वह अमूमन कहाँ का रह जाएगा? ठीक है, आप कहेंगे लोकसभा का सदस्य बन करके रह जाएगा, लेकिन मान लीजिए यदि वह MLA है और MLA रहते हुए वह लोकसभा के MP का चुनाव लड़ना चाहता है, सांसद का चुनाव लड़ता है और चुना गया तो चुने जाने के बाद उसे 10 दिन के अंदर, ठीक है, क्या करना होगा, सूचित करना होगा, अन्यथा लोकसभा से उसकी सीट चली जाएगी और वह MLA बनकर के रह जाएगा। लेकिन मान लीजिए यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल होने पर एक सांसद को अपना पद छोड़ना ही होता है, मतलब कोई सांसद है और वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल का चुनाव लड़ता है और ऐसी स्थिति में वह चुना जाता है तो क्या होगा? आप कहेंगे कि उसके MP की सीट या सांसद की सीट अपने आप चली जाएगी। ठीक है, अब हम आपसे कुछ बात ये कर दें कि एक MP का चुनाव लड़ने के लिए जिस निर्वाचन क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं उस निर्वाचन क्षेत्र से कम 10 मतदाताओं द्वारा आपको समर्थन पाना ही होगा। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने आपको ये 10 प्रत्याशियों को जो सॉरी 10 मतदाताओं को उपस्थित करना होगा। ठीक है, आपने ये चीज भी सीख लिया। अब हम आपके सामने एक बात आप और करते हैं, ओथ या शपथ। तो जो लोकसभा के सांसद होते हैं वह राष्ट्रपति या उनके प्रतिनिधियों के सामने शपथ लेते हैं। शपथ इनको कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति का कोई प्रतिनिधि, पति का कोई प्रतिनिधि इनको शपथ दिलाता है। मान लीजिए इन्होंने शपथ नहीं लिया और बिना शपथ लिए हुए ही यह संसद में बैठ रहे हैं या सदन में बैठ रहे हैं तो क्या होगा? उन्हें 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा, 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा, दंड देना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई सांसद पदमुक्त कैसे होता है? पदमुक्ति आप हेडिंग डाल दीजिए, पदमुक्ति। प्यारे बच्चों आपको याद रखना होगा, इस्तीफा दे करके भी आप भाई इस्तीफा दे दीजिए, ठीक है, क्लियर। लेकिन यह इस्तीफा जो आप दे रहे हैं उसे लोकसभा का स्पीकर संतुष्ट होना चाहिए कि आपने स्वेच्छा से दिया है, किसी दबाव में आकर के आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तभी वो इस्तीफे को स्वीकार करेगा। ठीक है, एक तो यह है कि आप स्वतः इस्तीफा दे दीजिए, दूसरा आप 60 दिन तक बिना किसी सूचना के आप अनुपस्थित हो जाइए, आपकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जब ये सदस्य चुन लिए जाते हैं तब क्या होता है। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा, लोकसभा के अधिकारी कौन कौन हैं, ठीक है, ऑफिसर्स कौन कौन हैं। तो आप एक बात याद रखिएगा, एक होता है अस्थाई अध्यक्ष। तो बच्चों ये अस्थाई अध्यक्ष को हम लोग और किसी नाम से जाने जाते हैं, जान सकते हैं। आप कहेंगे प्रोटर्म स्पीकर कहते हैं,
क्या कहते हैं इसे? प्रो टर्म स्पीकर, प्रो टर्म स्पीकर, ठीक है, कहते हैं इसे। अब ये जो प्रो टर्म स्पीकर होता है यह कौन होता है और क्यों चुना जाता है? ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जब कोई नई लोकसभा आती है, नव गठित लोकसभा या अभी चुन चुन करके यह लोकसभा आई है, उसके सदस्य नए नए आए हैं, चुनाव अभी हुआ है और वहाँ से चुन करके सदस्य आए हैं, ठीक है, तो चाहे नव गठित लोकसभा हो, चाहे नव गठित प्रांतों की विधानसभा हो, ठीक है, क्लियर। तो अगर लोकसभा में है तो राष्ट्रपति महोदय, और अगर विधानसभा है तो राज्यपाल महोदय, ठीक है। तो नव गठित लोकसभा या नव गठित विधानसभा के लिए क्रमशः राष्ट्रपति या राज्यपाल महोदय प्रो टर्म स्पीकर का क्या करते हैं? ठीक है, चुनाव करते हैं, चुनते हैं, ठीक है। अब किसको चुना जाता है, किसको प्रो टर्म स्पीकर बनाने की परंपरा हमारे यहाँ है? ठीक है, तो आप कहेंगे वैसे तो सदन में ऐसा, अरे संविधान में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है कि जो वयोवृद्ध होता है सांसदों में, जो वयोवृद्ध सांसद होता है उसी को, ठीक है, क्या कर किया जाता है, ठीक है, प्रो टर्म स्पीकर चुना जाता है। मतलब जो वयोवृद्ध है, जितने भी सांसद हैं उसमें जो वयोवृद्ध होता है उसी को प्रो टर्म स्पीकर चुन लिया जाता है, ठीक है। अब इसका कार्य क्या है, प्रो टर्म स्पीकर का कार्य क्या है, कार्य क्या है, तो बच्चों याद रखना, ठीक है। नौ निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएगा, ये जो नए नए सांसद आए हैं, एमपी आए हैं, उनको शपथ कौन दिलाएगा? तो आप कहेंगे सर यही दिलाता है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में यही शपथ दिलवाता है, ठीक है। दूसरा कार्य क्या है, आप कहेंगे कि सर अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष या लोकसभा के स्पीकर, ठीक है, और उपाध्यक्ष मतलब डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन दोनों का चुनाव कौन कराता है? तो आप कहेंगे कि सर प्रो टर्म स्पीकर ही अस्थाई अध्यक्ष या अस्थाई उपाध्यक्ष, इन दोनों का निर्वाचन कौन कराएगा? आप कहेंगे कि सर प्रो टर्म स्पीकर ही करवाता है, ठीक है। अब हमारे सामने आता है एक टॉपिक आता है कि लोकसभा का अध्यक्ष क्या है और इसके क्या राइट्स होते हैं, तो हेडिंग डाल दीजिएगा लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर ऑफ लोकसभा या सभापति, लोकसभा के सभापति। तो आइए देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष, इसको स्पीकर कहते हैं आप, सभापति भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा, अगर हम महत्व के अनुसार देखें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद इस देश में चौथा अगर किसी को महत्व प्राप्त है तो वह स्पीकर है, ठीक है, क्लियर। लेकिन अब हमको एक चीज याद रखना होगा कि हमारा जो स्पीकर है लोकसभा के, हमारे जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, पहले तो आप याद रखिएगा स्वतंत्रता पूर्व लोकसभा का अध्यक्ष हमारे यहाँ कौन था? तो आप कहेंगे कि सर देखिए भारतीय लोकसभा का पहला अध्यक्ष फ्रेडरिक व्हाइट थे, फ्रेडरिक व्हाइट थे, ठीक है। लेकिन प्रथम भारतीय जो लोकसभा का अध्यक्ष बना वह कौन थे, प्रथम भारतीय अध्यक्ष वह कौन थे? आप कहेंगे सरदार विट्ठल भाई पटेल थे, सरदार विट्ठल भाई पटेल स्वराज पार्टी से थे, ठीक है, और इनको ही, ठीक है, मतलब अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये प्रथम भारतीय अध्यक्ष हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय जो लोकसभा है इसका पहला अध्यक्ष कौन है, तो आप कहोगे कि सर फ्रेडरिक व्हाइट सर है, ठीक है ना। और बच्चों अब हमको एक बात याद रखना है, और इनके साथ तुलना कर लेते हैं यूके के से, क्योंकि हमारा जो भी संविधान है वो यूके से ज़्यादा प्रभावित है, तो यूके मतलब ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन का स्पीकर और हमारे स्पीकर में क्या अंतर रहता है?
जो ब्रिटेन का स्पीकर होता है या लोकसभा का या हाउस ऑफ कॉमन का अध्यक्ष होता है वह निर्दलीय होता है। यूके का स्पीकर या अध्यक्ष, ठीक है, ये किसी दल से नहीं होता, वह निर्दलीय होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ लोकसभा का अध्यक्ष वह जिस पार्टी से चुना जाता है उस पार्टी का सदस्य रहता जरूर है, यह उम्मीद की जाती है कि वह निष्पक्ष हो। मतलब आप कह सकते हैं ये जिस पार्टी से चुनकर आता है उसी पार्टी से अपने संबंध को, ठीक है, क्या करता है, कम कर देता है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सदस्यता से छोड़ नहीं देता, इस्तीफा नहीं देता है, ठीक है, वो उस पार्टी का सदस्य बना रहता है, उस पार्टी का सांसद होता ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, नहीं, वह सांसद रहेगा, उसी पार्टी का सांसद रहेगा। हाँ, ये अलग है कि वह निष्पक्ष कार्य करता है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, इसकी कुछ उन्मुक्तियां हैं, इसको कुछ विशेष राइट्स मिले हुए हैं स्पीकर को, ठीक है। वो क्या है, देखिए, स्पीकर के पद पर उसके कार्य पर सदन में चर्चा नहीं होगी, केवल एक स्थिति में उस पर चर्चा हो सकती है, जब उसको हटाना है तब उस पर चर्चा होगी, अन्यथा उस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगी, ठीक है। और अब लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य आप देख लें कि लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य क्या है, ठीक है। सभा के अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां भी कर सकते हैं, कार्य एवं शक्तियां, ठीक है बच्चों। तो आओ देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां। तो देखो, एक चीज याद रखना, ठीक है, वो ये है कि देखो, नियम 333 के अंतर्गत संसदीय कार्रवाई के किसी भी अंश का प्रकाशन और प्रसारण उसे रोकने का अधिकार है। देखो ये क्या लिखा है, नियम लिखा है 333, ये किसका नियम है, पार्लियामेंट का नियम है, संसद से कोई मतलब, संविधान से कोई मतलब नहीं है, यह हमारी पार्लियामेंट्री जो रेगुलेशन है उसका नियम 333 है, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट्री रेगुलेशन संख्या 333 के अंतर्गत क्या है कि लोकसभा का स्पीकर संसदीय कार्रवाई में किसी भी सदस्य के स्पीच को, ठीक है, वह प्रकाशित करा सकता है और उस पर रोक भी लगा सकता है। मतलब संसदीय कार्रवाइयों का प्रकाशन और प्रसारण, संसदीय कार्यवाहियों का प्रकाशन एवं प्रसारण, प्रसारण, ठीक है, इन दोनों पर रोक लगा सकता है, ठीक है, क्लियर। लोकसभा का अध्यक्ष, एक बात और याद रखिएगा, और संयोग से वो भी 222 है, ठीक है, मतलब 222, नियम 222 क्या है, आप कहेंगे कि संसद की अवमानना के लिए दंड का प्रावधान भी यही दे सकता है, ठीक है। तीसरी बात क्या है, वह संसदीय प्रक्रिया को, ठीक है, वह स्थगित कर सकता है, मतलब सदन को स्थगित करना भी इसका अधिकार में है, ठीक है। और दल बदल की स्थिति में कि यह लागू होता है या नहीं होता है इसका निर्णय स्पीकर ही देता है। देखिए 52 अमेंडमेंट या संशोधन आता है और इसके अंतर्गत दल बदल पर, ठीक है, सांसद की सदस्यता समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो इसका निर्धारण कौन करेगा कि दल बदल हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप कहेंगे कि सर इसका निर्धारण, ठीक है, कौन करता है, तो आप कहेंगे सर लोकसभा का स्पीकर ही करता है। एक बात और आप याद रखिएगा, नहीं अब हाँ ये देखिए, फिफ्थ पॉइंट जो जा रहा है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है,
ठीक है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो आप कहेंगे कि सर स्पीकर ही करता है। धन विधेयक या वित्त विधेयक का निर्धारण कौन करता है सर जी? तो आप बोलोगे कि सर ठीक है, लोकसभा का स्पीकर ही करता है। ठीक है, और एक चीज़ आप ये भी याद रखिएगा, लोकसभा में अनुशासन बनाना किसका दायित्व है? लोकसभा में अनुशासन बनाने का दायित्व भी लोकसभा के स्पीकर का ही है। वह किसी को भी क्या कर सकता है? बोलने की अनुमति दे सकता है, नहीं दे सकता है। ठीक है, क्लियर। समय निर्धारित कर सकता है। और एक चीज आपको और याद रखना है, ठीक है, फ्लोरिंग सिस्टम क्या होता है? ठीक है, फ्लोरिंग सिस्टम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लोरिंग सिस्टम क्या है, तो आप कहोगे कि सर देखो, फ्लोरिंग सिस्टम उसको कहते हैं कि किसी भी सदस्य को, ठीक है, अपनी बात समाप्त करके बैठने का निर्देश देना ही फ्लोरिंग सिस्टम है। उसको सही करिए। तो फ्लोरिंग सिस्टम है, ठीक है, क्या है कि कोई सदस्य अगर बहस कर रहा है, बात कर रहा है, अपना पक्ष रख रहा है, तो ऐसी स्थितियों में वह कह सकता है कि आप अपनी बात को पूरा करिए और बैठिए। तो इसको क्या कहते हैं? इसी को फ्लोरिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और आप ये भी आप याद रखिएगा, किसी सांसद, किसी लोकसभा के सदस्य की सदस्यता को समाप्त भी कर सकता है। ठीक है ना, फ्लोरिंग सिस्टम का देखो सीधी सीधी सी बात करो, अगर कोई मान लो कि सदस्य बहस कर रहा है, तो जब वो बहस कर रहा होता है तो उसमें वो लोकसभा का स्पीकर उसे कह सकता है कि यार तुम अपनी बात खत्म करो और बैठो। ठीक है, इसी को फ्लोरिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और अब आपको एक बात और भी याद रखना है, राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक तभी भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक बिल तभी भेजा जाता है जबकि स्पीकर ने, लोकसभा के स्पीकर ने अपना हस्ताक्षर कर दिया है। कोई भी विधेयक कानून बनने के लिए कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा, लेकिन विधेयक तभी जाएगा जब उस पर स्पीकर ने हस्ताक्षर कर दिया है। ठीक है, और एक बात आप याद रखिएगा, ये हमारे अधिकारियों के लिए है, उच्च अधिकारियों के लिए है, उनको जानना होगा कि किसी भी सांसद को गिरफ्तार करने से पूर्व अध्यक्ष को सूचित करना आवश्यक है। आप किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं कर सकते बिना, ठीक है, अध्यक्ष को सूचना दिए हुए। ठीक है, क्योंकि सांसदों के हितों की रक्षा करने के लिए वह उत्तरदायी होता है। ठीक है, लेकिन ये भी आप याद रखिएगा, मतलब किसी भी सांसद को गिरफ्तार करने से पूर्व किसको सूचित करना होगा? आप कहेंगे लोकसभा के स्पीकर को सूचित करना ही होगा। ठीक है, और एक पॉइंट और है इसका कार्य, सदन की अवमानना के लिए दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट भी वो दे सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि सदन की कोई अवमानना कर रहा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट कौन देगा? स्पीकर ही देगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, सांसदों का इस्तीफा कौन स्वीकार करेगा? तो आप कहेंगे कि सर सांसदों के त्याग पत्र को स्पीकर ही स्वीकारता है। ठीक है, और विपक्ष के नेता को मान्यता भी अगला पॉइंट है। ठीक है, विपक्ष का नेता कौन होगा, यह मान्यता कौन देगा? लोकसभा का स्पीकर देगा। वैसे आप याद रखिएगा कि विपक्ष के नेता का कॉन्सेप्ट हमारे मूल संविधान में नहीं है। ठीक है, क्लियर। यह तो 1977 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा इसको बनाया गया है, विपक्ष का नेता, यह हमारी संविधान की किताब में नहीं है। यह 1977
में संसद के नियम के द्वारा इस पद को क्रिएट किया गया है। अब सवाल यहां पर है, ठीक है, कि विपक्ष का नेता कौन होगा। यहां तो प्रश्न ये भी आता ना कि विपक्ष का नेता कौन होगा। बच्चों, ऐसी पार्टी जिसके सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 10% से ज्यादा है तो वह लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। मतलब लोकसभा के कुल सदस्य का 10% अगर किसी पार्टी को मिला है तो उस पार्टी का नेता विपक्ष का नेता होगा। और इसका स्तर क्या होगा? आप कहोगे कि सर कैबिनेट मंत्री का स्तर होता है। ठीक है, अब एक पद आपको और याद रखना है, एक बात आपको और याद रखना है। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष का एक और विशेष अधिकार है, वो ये है कि जब यह बोलने के लिए खड़ा होता है तो फिर किसी भी सदस्य को अंदर आने और जाने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, और यह किसी को भी सदन में बैठने या बाहर जाने का निर्देश दे सकता है। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए, जो प्रेस दीर्घा है वहाँ पर बैठे हुए लोगों को भी इमीडिएट कह सकता है कि आप बाहर जाइए। ठीक है, और अब एक पॉइंट आप और कर लीजिए, लोकसभा का महासचिव कौन होता है? लोकसभा का महासचिव, जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा। तो बच्चों आप याद रखिएगा, ये एक सरकारी अधिकारी होता है, सरकारी अधिकारी होता है, और इसकी नियुक्ति स्पीकर करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यहां लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे और वहां राज्यसभा के अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो बच्चों एक पॉइंट तो आपने देखा, और ये भी देखे कि स्पीकर जो होता है, ठीक है, किसके द्वारा नियुक्त हो रहा है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त हो रहा है, और उसी के प्रति, जिसने नियुक्ति किया है उसी के प्रति यह उत्तरदायी होगा, उसी के प्रति जवाबदेह होगा। लेकिन यह नियुक्त किया क्यों जाता है? आखिर इसकी जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति की जरूरत क्या पड़ गई? आप कहेंगे कि सर यह स्पीकर तथा सांसदों को परामर्श देना तथा जो संसदीय प्रक्रिया है यह सिखाता है, बताता है। महासचिव का कार्य क्या है? तो आप कहोगे स्पीकर मतलब लोकसभा के अध्यक्ष तथा सांसदों को परामर्श देता है और यह बताता है कि प्रोसेस क्या है, प्रतिक्रियाएं क्या हैं। ठीक है, क्लियर। और उन्मुक्तियां क्या हैं, इसके विशेष प्रिविलेज क्या हैं, इसके विशेष अधिकार क्या हैं? तो आप कहेंगे कि जनरल सेक्रेटरी या लोकसभा के महासचिव के कार्यों का संसद के अंदर या संसद के बाहर आलोचना नहीं हो सकती। ठीक है, उन मुक्तियों में आपने समझ लिया ना कि यह आलोचना से मुक्त है, इसकी आलोचना न तो आप संसद के बाहर और न ही संसद के अंदर कर सकते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका कार्यकाल क्या होता है तो आप कहोगे कि सर कार्यकाल इसका 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक होता है। मतलब हमने कहा कि गवर्नमेंट का अधिकारी होता है। ठीक है बच्चों, एक बात आप और याद रखिएगा, तो ये लोकसभा के स्पीकर का ही कार्य है। ये लोकसभा के स्पीकर का अगला कार्य क्या था कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करना। ठीक है, और अब हमको एक चीज याद रखना होगा कि लोकसभा के स्पीकर का वेतन कहां से आता है, स्पीकर का वेतन कहां से आएगा, लोकसभा के स्पीकर का या अध्यक्ष का वेतन कहां से आएगा। आप कहोगे कि सर संचित निधि से आएगा, कंटिजेंसी फंड से आएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया ताकि इसमें, ठीक है, कोई कमी न की जा सके। ठीक है, अब हमको देखना है अगला पॉइंट, उपसभापति, लोकसभा का उपसभापति। तो देखिए, जो लोकसभा के उपसभापति की बात आती है, हम लिखते हैं पहले डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा या उपसभापति, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका भी चुनाव कहाँ से होता है? जैसे स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से होता है, उसी प्रकार उपसभापति का भी चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही होता है। ठीक है, अब कार्य क्या होता है इसका? कार्य मतलब उपसभापति क्या होता है? सांसद होता है। ठीक है, और सांसदों के बीच से ही इसका चयन होता है।
अब इसका कार्य क्या है? तो जाहिर सी बात है, जब ये उपसभापति है तो इसका मतलब ये है कि जब सभापति नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो सदन की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, क्लियर। और क्या कार्य है? आप कहेंगे कि सर उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, यह सचिवालय बजट समिति का अध्यक्ष होता है। उपसभापति क्या होता है? सचिवालय बजट समिति का अध्यक्ष होता है। एक पॉइंट आपने ये लर्न कर लिया। दूसरी बात आप याद रखिएगा, पुस्तकालय व संग्रहालय समिति की अध्यक्षता भी डिप्टी स्पीकर ही करता है। किसका? लोकसभा के पुस्तकालय, ठीक है, और किसका? संग्रहालय। अरे ये समिति है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर ही करता है। ठीक है, अब हमको एक बात याद रखना है कि इस देश का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो आप कहेंगे सर सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। सच्चिदानंद सिन्हा कब बने थे? 1921 में बने थे। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला डिप्टी स्पीकर कौन था? तो आप कहेंगे अनंत सैनम अयंगर थे। स्वतंत्र भारत, ये प्रतंत्र भारत के थे, ये स्वतंत्र भारत के। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन है? आप कहेंगे सर अनंत सयनम आयंगर है। अनंत सयनम आयंगर सर हैं, ठीक है ना। और एक बात आप याद रखिएगा, ठीक है, सांसदों के निर्वाचन संबंधी विवाद, ये आप हेडिंग डालिए। सांसदों के निर्वाचन संबंधी जो विवाद होते हैं, आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं। सांसदों के निर्वाचन संबंधी विवाद, ठीक है ना। तो बच्चों हमको याद रखना होगा कि सांसद जिस प्रदेश से आता है, ठीक है, सांसद के निर्वाचन के मामले में अंतिम निर्णय, फिर से सुनिएगा, सांसदों के निर्वाचन के मामले में अंतिम निर्णय संबंधित राज्य के का हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, निर्वाचन संबंधी विवाद जिस क्षेत्र से या जिस प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी से वह चुनकर आया हुआ है, उस प्रदेश का जो हाई कोर्ट होगा उसी में इसके निर्वाचन संबंधी विवाद को सुलझाया जा सकता है। तो यह हाई कोर्ट उसके चुनाव को शून्य भी घोषित कर सकती है, ठीक है ना। जैसा कि आपने जाना है कि मिसेज गांधी को, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट या उत्तर प्रदेश की कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, ठीक है, शून्य घोषित कर दिया था और उनको चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी, ठीक है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां। तो पहली बात आप याद रखिएगा, विधायी शक्ति क्या है इसकी, लेजिस्लेटिव पावर क्या है? तो प्यारे बच्चों विधायी शक्तियां क्या है? तो सीधे सीधे से एक बात करना कि लोकसभा, ठीक है, संघ सूची और समवर्ती सूची के किसी विषय पर, देखो ये देखो लिखा है लोकसभा, ये भी कर लेना राज्यसभा, ठीक है, किन दो विषयों पर? एक संघ सूची, दूसरा समवर्ती सूची। सूची मतलब सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के किसी विषय पर, मतलब लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से, अकेले नहीं होता, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संघ सूची और समवर्ती सूची की किसी विषय पर, ठीक है, कानून बना सकती है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक कंडीशन जोड़ रहा हूँ आपके सामने। देखिए आर्टिकल 356 या अनुच्छेद 356
के अंतर्गत अगर किसी प्रांत में संवैधानिक व्यवस्था फेल कर चुकी है, ठीक है, तो उस राज्य के लिए कानून कौन बनाएगा? आप कहेंगे सर यही बनाएंगे दोनों, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के ही कानून बनाते हैं, ठीक है। अब फाइनेंशियल पावर देखते हैं, हम लोग वित्तीय शक्तियां देखते हैं, दूसरा पॉइंट लाते हैं हम लोग फाइनेंशियल वित्तीय शक्तियां। फाइनेंशियल पावर क्या क्या है हमारी लोकसभा का, तो आप याद रखिएगा भारत संघ के वित्त पर नियंत्रण लोकसभा का ही होता है, मतलब भारत संघ के वित्त पर नियंत्रण, भारत संघ के फाइनेंस पर वित्त पर नियंत्रण कौन करता है? आप कहोगे कि सर लोकसभा करती है, ठीक है, यही वार्षिक बजट बनाती है, ठीक है, यही वार्षिक बजट बनाती है, कौन? लोकसभा ही। और एक चीज और याद रखिएगा, बजट तथा वित्त विधेयक केवल और केवल लोकसभा में रखे जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं रखे जा सकते। राज्यसभा उसको केवल इतना अधिकार है कि उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकती है या 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, और अगर नहीं तो 14वें दिन वो अपने आप पास मान लिया जाएगा। इसका मतलब फाइनेंस पर टोटल राइट्स किसको है? आप कहोगे कि सर लोकसभा को ही है, ठीक है, राज्यसभा केवल 14 दिन तक उस पर डिटेन कर सकती है या सुझाव दे सकती है, सुझाव मानना या ना मानना वो तो लोकसभा के ऊपर है, ठीक है। अब अगला क्या पावर है? आप कहेंगे कार्यपालिका की शक्तियां, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, शक्ति या एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, ठीक ना बच्चों? तो आप याद रखिएगा कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ, तो यार कार्यपालिका का मतलब होता है मंत्रिपरिषद, भाई मंत्रिपरिषद, या आप कह सकते हो सरकार। तो देखो मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण लोकसभा करती है, ठीक है, खैर राज्यसभा भी करती है, ठीक है, दोनों ही करती हैं, ठीक है, कैसे करती है? आप कहेंगे प्रश्न पूछकर, मंत्रियों से प्रश्न पूछती है, प्रश्न पूछकर, ठीक है, क्वेश्चन आवर ला सकती हैं, ठीक है, और आप जानते ही हैं, ठीक है, कि प्रश्न पूछने के लिए 1 घंटा निर्धारित होता है। दूसरी बात क्या है, ये डिबेट कर सकती हैं, मंत्रियों से बहस कर सकती हैं, उसमें उनकी आलोचना कर सकती हैं, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव ला सकती हैं, स्थगन प्रस्ताव ला सकता है, ठीक है, क्लियर, लोकसभा अपने मंत्रियों के प्रति, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव ला सकता है, ठीक है, फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकता है, ठीक है, तो स्थगन प्रस्ताव अर्थात एडजॉर्नमेंट मोशन ला देगा, ठीक है, इसके अतिरिक्त कॉल अटेंशन मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएगा, ठीक है, इसके द्वारा भी वो क्या करेगा, ठीक है, कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। लेकिन आप याद रखिएगा अगर 2 प्रस्ताव पास हो गया लोकसभा में तो सरकार को जाना पड़ेगा। कौन सा प्रस्ताव? निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव अगर लोकसभा में पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद को जाना ही होगा, उसको इस्तीफा देने के लिए विवश होना होगा। और इसके अतिरिक्त अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर उसने दे दिया सरकार के विरुद्ध, ठीक है, पास हो गया तो भी सरकार को जाना होगा। अब लोकसभा की कुछ न्यायिक शक्तियां हैं, ठीक है, जैसे देखिए हेडिंग पहले तो डालिए, न्यायिक शक्तियां क्या हैं लोकसभा की, जुडिशियल पावर्स क्या हैं। तो देखिए एक तो है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, ठीक है, तो राष्ट्रपति पर एक अभियोग लगाता है, दूसरी जांच करता है, मतलब अगर राज्यसभा में राष्ट्रपति के ऊपर अभियोग लगाया गया, ठीक है, और वहां से पास हो गया
तो अब लोकसभा इसकी जांच करेगी और लोकसभा ने भी अगर इसे पास कर दिया 2/3 मेजोरिटी से तो राष्ट्रपति को जाना ही होगा। यही बात आप उपराष्ट्रपति में करिएगा। बस अंतर यह है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जाता है, ठीक है ना, बस ये अंतर है बच्चों। इसके अतिरिक्त मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, ठीक है, और कौन हो गया? आप कहेंगे कि सर महान्यायवादी हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी हो गया, और एक और आता है, ठीक है, वो कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं परीक्षक, यह ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगर इन पर भी लोकसभा ने क्या दे दिया, हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है या दोष सिद्ध कर दिया है, तो राष्ट्रपति इन अधिकारियों को, ठीक है, तत्काल प्रभाव से हटा देगा। क्लियर ना? चुनाव संबंधी भी इसके कुछ अधिकार हैं, कुछ कार्य करती है ये, ठीक है, लोकसभा, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। न्यायिक शक्तियों के अतिरिक्त चुनाव की शक्तियाँ भी कुछ हैं इनकी, लोकसभा की चुनाव शक्ति क्या है, तो बड़ी कॉमन सी बात है बच्चों, ठीक है। देखो क्या है, अध्यक्ष अपना अध्यक्ष चुनती है या अपने लोकसभा का स्पीकर चुनती है, उपाध्यक्ष को चुनती है, ठीक है, और इसके साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेती है, कौन? लोकसभा, ठीक है। और एक इसका और राइट्स है, देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, इन दोनों के अधिकार क्षेत्रों में वो परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, इन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू कराना है तो उसके लिए नियम और कानून चाहिए, और ये नियम और कानून कौन बनाएगा? तो आप कहेंगे कि सर लोकसभा ही बनाती है, ठीक है। फिर एक चीज आप याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही संयुक्त रूप से, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों ही संयुक्त रूप से क्या कर सकती हैं बच्चों? तो आप कहेंगे कि सर दोनों ही मिल करके दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं। मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही संयुक्त रूप से दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन भी कर सकते हैं, लोक सेवा आयोग का गठन भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट है, वो भी आप कर लीजिएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही मिलकर किसी नए राज्य को संघ में शामिल कर सकती हैं, ठीक है, नए प्रांत बना सकती हैं तथा उनकी सीमाओं में, ठीक है, तथा किसी भी प्रांत की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट जो आपका चलेगा वो क्या आएगा, ठीक है, लोकसभा की कार्रवाइयाँ कैसे होती हैं, कैसे नियम और कानून बनते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज के बाद, थैंक यू बच्चों, विशिंग ऑल द लक।